वेलकम 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 बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस सभी को मेरे एक नए फ्रेश वीडियो में दिल से भाई लोग स्वागत है। तो गाइस आप लोग मेरे वीडियोस तो जो लोग देखते हो आप लोगों को मालूम होगा पिछले वीडियो में मैंने अपलोड किया था इसका पार्ट वन, और आज हम फिर से उसी का पार्ट टू अपलोड करने वाले हैं। ये है हम लोग एक बेसिकली गाँव में आए थे जो गाइस हमारे घर से लगभग 22 से 25 किलोमीटर दूर है, और ये काफ़ी दूर एक गांव है जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी प्लेस मेरे फ्रेंड्स ने ढूंढा है बेसिकली, और आज मैं उसी को शूट करने जा रहा हूँ। और ये शूट मैं कर रहा हूँ जब इस वीडियो को बना रहा हूँ वो है लगभग बोल सकते हो 28 जनवरी, और ये आज से करीब 2.5 से 3 महीने बाद मैं अपलोड करूँगा, और इसको मैं शूट कर रहा हूँ आज और इसको अपलोड करूँगा आज से लगभग 2.5 महीने बाद। और ये बहुत सारे वीडियो जो मेरे जो अभी भी अपलोड नहीं हुए हैं 2.5-3 महीने डिले हो चुका है क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा ही भंडार बन चुका है वीडियोस का, और आप लोगों को मैं ज़्यादा से अच्छा कंटेंट अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का बेसिकली बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा था। और फाइनली बेसिकली आज से बेसिकली आपको हर रोज़ एक नए नए जगह की वीडियो देखने को मिलेगी और नए नए कंटेंट देखने को मिलेगा। वैसे तो गाइस ये गांव बहुत ही दूर है हमारे यहाँ से, दिखने में जितना का बेसिकली आसान दिख रहा था यहाँ पे आना उतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ का सड़कें बहुत ही कच्चा है, और हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है। ये है टाउन साइड बेसिकली बोल सकते हो, हमारा गाँव है बेसिकली एकदम अप साइड में, वहाँ से हमारा शहर बेसिकली 3 किलोमीटर है, बड़ा शहर हमारे गांव से शहर 3 किलोमीटर है, और हमारे गांव का रोड भी बाईपास है, दो दो रोड है एक साथ। और लेकिन ये बहुत ही दूर एक गांव है जहां पे आना और बहुत ही बड़ा टास्क है। मैंने मेन रोड से बाई ओर ली नोहटी की ओर, वहां से एक कच्चा रास्ता मिला, उससे लगभग 4 किलोमीटर अंदर आने के बाद हमने फिर से उससे भी ज़्यादा कच्चा रास्ता लिया, उससे भी ज़्यादा कच्चा रास्ता लेने के बाद और उससे भी डाई आने के बाद हमने ये और भी ज़्यादा कच्चा रास्ता लिया जो का खेत बोल सकते हो, खेत का रास्ता, और ये पूरा का पूरा गांव है। ये गांव बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ है, किसी भी विलेज एक इतना अंदर की तरफ होना भी एक ब्यूटीफुल प्लेस होना ज़रूरी होता है क्योंकि एक ब्यूटीफुल प्लेस बेसिकली सबसे छुपा हुआ होता है, आप लोग जानते होंगे। और बोलते ही बोलते मैं आप लोगों के लिए पहुँच चुका हूँ ये ब्यूटीफुल प्लेस। ये जो दो बंदे यहाँ पे पोज देके खड़े हुए हैं ये मेरे फ्रेंड्स है, ये सनीरुल, ये आते ही वीडियो बनना हो चुका है इसका, और वहाँ पे जो पोस्ट खड़ा है वो है मोजाम, और मेरे पीछे इरफान है, और मेरे पहले ये लोग पहुँच गए क्योंकि स्कूटी मेरी कल लिया था बेसिकली स्कूटी को, और आज मैं स्कूटी को घुमाने ले गया है बोल सकते हो। और यहाँ का प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल है, सभी को मैं बेसिकली इस पहाड़ के उस पार जाऊँगा उसका भी वीडियो अपलोड हो करूँगा, वीडियो बेसिकली बनाऊँगा। इस पार्ट में आप लोगों को पूरा का पूरा ये लेक घुमाऊँगा, और अभी शाम के बज रहे हैं 3:30 और सनसेट देखो, और ये रहा मैं सनग्लास पहने हुए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, और एक साइड में एक खेत बंजर ज़मीन नहीं है बोल सकते, ये बहुत ही हरी भरी ज़मीन है, और गांव बहुत ही ज़्यादा अंदर है। आप लोगों को मैं एड्रेस बताऊँ तो कैसे बताऊँ, यहाँ पे आना आप लोग खो जाओगे, मैं खुद खो गया था, इतना ज़्यादा अंदर की तरफ भी गाँव होता है मुझे मालूम नहीं था। एक रोड से एक डबल साइड रोड से भी छोटा रोड, उससे भी डबल छोटा रोड, उससे भी काफ़ी 4-5 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उससे भी एक छोटा रोड से आप लोगों को इसके अंदर आना पड़ेगा। बहुत ही भुलभुलैया प्लेस है, और यहाँ पे बहुत से लोग घूमने आते हैं, आप लोग देख सकते हो मैं अकेला नहीं हूँ, ये जो गाइस बाइक देख रहे हो ये लोग भी घूमने आए हैं। वैसे तो यहाँ हमारे यहाँ पे हम वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में रहते हैं, यहाँ पे खोड़ीबाड़ी बोधिर बिल बोल सकते हो, हुगली नदी बेसिकली, और कुछ जैसे हमारा हावड़ा सेतु और भी बहुत सारे चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे कलकत्ता के साइड में, और ज़्यादातर गांव के टाइप में ये सभी ज़्यादा फेमस होती है, ये सब में हम लोग घूमने जाते हैं। और लेकिन आज मैं आया हूँ एक और एक प्लेस, जैसे आज आप लोग इसको देख रहे हो इतना ज़्यादा संगड़ा है यहाँ पे, कुछ दिन के बाद ऐसा संगड़ा नहीं रहने वाला, यहाँ पे भी लोग आना स्टार्ट हो चुका है, इसका भी पता लग चुका है इस प्लेस का। वैसे तो मैं कैमरा पे इतना ज़्यादा शूट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ मालूम नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, आप आँखों से नहीं देखोगे तो गाइस पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे बेसिकली मैं और भी कुछ दोस्तों को जाना चाहता, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं खुद घूम के आता हूँ उसके बाद बेसिकली मेरी कुछ और फ्रेंड्स को लेके आऊँगा। और ये रहा मैं, और वीडियो कैसी बन रही है कौन सा ये, और ये व्यू को मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को,
यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह है, खजूर का पेड़ और वहाँ पे आम का पेड़, और ये तालाब के उस पार एक झरना सा बह रहा है, लेकिन वो झरवा नहीं है, वो है बोरवेल, जहाँ से पानी तालाब के अंदर डाल रहे हैं और तालाब से पानी खेतों के अंदर जाएगा। ये एक अलग ही प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी तालाब के अंदर डालना पड़ता है, और तालाब से पानी बाद में बोल सकते हो बेसिकली विभिन्न बहुत सारे पाइप की मदद से ये खेतों के विभिन्न बहुत ही अंदर तक भाग में चला जाता है पाइप की मदद से। और ये पूरा का पूरा बेसिकली जो तालाब देख रहे हो इसके अंदर मच्छी की चा बेसिकली फार्मिंग की गई है, फिश फार्मिंग। यहाँ पे जो खाना रखा हुआ है इससे ही पता चलता है इसके अंदर बहुत सारे फिश है, और ये सारे सोयाबीन्स है जो गाइस आप लोग घर पे सोयाबीन खाते हैं, इसका भी कुछ ऐसा ही 1.5 बार होगा खाने के लिए लाइके आए हैं। और यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े फिश है, मुझे अभी दिखा कुछ फिश, और लेकिन फिश फार्मिंग भी एक अलग ही पोकर की होती है, लेकिन ऐसा मैंने व्यू पिछले कभी नहीं देखा। और जब मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ तो गाइस मैं अभी नहीं गया था, आज से 2.5 महीने पहले गया था, और ये मैं 2.5 महीने बाद अपलोड कर रहा हूँ। सॉरी आप लोगों को जब देखा था अपलोड नहीं कर पका पाया, लेकिन आज एडिट करके फाइनली आपको इस व्यू को आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग देख सकते हो, और मैं घूमते घूमते यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और ये रहा मैं, और आप लोगों को थोड़ा सा घुमा कर दिखा देता हूँ। और वहाँ पे जो गाइस बहुत सारे लोग देख रहे हैं वहाँ पे मेरी बाइक है, और मैं इस रास्ते से इस पार आया हूँ। तो गाइस हम मैं बेसिकली तालाब के उस पार से इस पार आया हूँ, और पूरी की पूरी तालाब को आप लोगों को घुमा कर दिखता हूँ, राउंड अप राउंड पूरा तालाब घूमेंगे, इस साइड से उस पार जाएंगे, उस पार से भी इस पार वापस आएंगे। तो गाइस इस पूरे बेसिकली लगभग 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर बेसिकली राउंड अप होगा। ये तालाब बहुत ही बड़ा लग रहा है, दिखने में कैमरे में छोटा लग रहा होगा लेकिन काफ़ी बड़ा है, 4 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर होगा आराम से पूरा राउंड अप लेने में। और मैं निकल चुका हूँ, मैं अभी अकेला निकला हूँ, लेकिन अभी कुछ देर में सारे लोग मेरे पीछे आने वाले हैं मुझे मालूम है, और बोलते बोलते कुछ लोग और आने वाले हैं बेसिकली वहाँ पर। देखो मैं बोलते ही बोलते मैंने इरफान